की सयाना तहसील में बाकियों ने चक्का जाम किया। बुलंदशहर की सयाना तहसील में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गन्ने के मूल्य वृद्धि को लेकर गन्ने का दहन किया। जिला प्रभारी बाकियों बुलंदशहर तेजवीर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर गढ़ हाईवे पर सयाना में बुलंदशहर अड्डे पर जाम लगाया। जाम से यातायात प्रभावित हुआ। बाकियों के जिला संरक्षक दयानंद त्यागी ने चार सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम सयाना सुभाष सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज बुलंदशहर अड्डे पर तुमने पूरी बयान करी है, किस कारण से क्या मांग है? हाँ भैया, हमारी जो किसानों की मांग है वो गन्ने का मूल्य बढ़ाना, यानी 315 रुपए हमें मिल रहा है इस वक्त, पर हम कह रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए 415। एक बात, दूसरी बात यूं कि बिजली के बिल बढ़ा दिए, खाद के पैसे बढ़ा दिए, जब हर चीज बढ़ रही है तो किसान की क्यों नहीं बढ़ रही? इस वजह से करा है कि हम पे इतना दबाव बिजली के बिलों का और पिछले साल का पेमेंट अभी तक हमारा नहीं हुआ। क्या दूसरे मांगों को लेकर आपने क्या बन दिया? गन्ने की, एक तो गन्ने का रेट, दूसरी मांग है कि हमारा पिछला पेमेंट, तीसरी मांग है कि बिजली के बिल हमारे कम करे जाए। अगर हमारा गन्ने का रेट नहीं बढ़ा तो हमारे बिजली के बिल कम करो। अच्छा ये बताइए, आपका जो धरना प्रदर्शन है पूरे पूरे प्रदेश में, आज की तारीख 11 तारीख जो है पूरे प्रदेश की है, और तहसील पे है, ज्ञापन एसडीएम को दिया है। किनके नाम दिया गया? योगी के नाम, मुख्यमंत्री को। क्या आश्वासन दिया एसडीएम चाना ने? क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया कि तुम्हारा ज्ञापन हम ऊपर पहुँचाते हैं, उनके बस की हमारा जो बढ़ाता है ना, उन्होंने कह दिया तुम्हारा ज्ञापन ऊपर पहुँचा। अच्छा, पराली पर क्या कहना चाहते हैं योगी सरकार? पराली पर किसानों पर मुकदमे दर्ज करके पराली को लेकर बात? हाँ, पराली की बात करो, किसान की पराली से कोई प्रदूषण नहीं होता। अगर किसान की पराली से प्रदूषण होता तो अब से पहले होता, प्रदूषण होता है, दुनिया भर का वाहन घूम रहा है, इससे हो प्रदूषण। किसान की पराली से कोई प्रदूषण नहीं होता। 5 महीने पत्ती चल जाए जब आत्महत्या कुछ भी ना, पर अब उसके से इसी महीना मान लो 15 दिसंबर के बाद में गेहूं ना है, तो पहले कुएं फिर कोई बाहर। सरकार पराली का इंतजाम कर दे। मैंने कहा पराली कर दे, पराली नहीं बोली जाती है, ये पराली नहीं बोली जाती हमारे उत्तर, हमारे जो यहाँ बुलंदशहर जिले के अंदर कोई भी पराली है ही नहीं। पराली को तो किसान जो है चारे में खिलाते हैं, यहाँ केवल गन्ने की। बाकियों की मुख्य मांगे वर्तमान पेराई सत्र में गन का मूल्य 450 रुपए प्रति कुंतल हो गया है। बकाया गन्ना मूल्य ब्याज सहित मिले कैलेंडर में दर्शाई गई पर्चियां संशोधित हो गई है। पहले की भांति 15 कुंतल के हाड़े को आधार मानकर पर्चा तय किए जाए। बाकियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे भी लगाए और साथ में गन्ना मंत्री सुरेश राणा के खिलाफ भी नारे लगाए और कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। बाकियों के जिला संरक्षक दयानंद त्यागी ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 21 दिसंबर को प्रत्येक जिले में बाकियों जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर जन आंदोलन करेंगे। किसान यूनियन के तत्वावधान में ये मीटिंग एकत्रित होकर आई है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो अपनी समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन दिया है, जिसे मुख्य रूप से गन्ना मूल्य में वृद्धि का है, ज्ञापन ले लिया गया, बाकी शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। पराली पर बहुत नाराज हैं, पराली को लेकर, गन्ने की पराली पर, गन्ने की पराली या किसी ढंग की पराली हो जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश है उसका अनुपालन हो रहा है। बुलंदशहर से संवाददाता आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट।